अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे यूएसबी मेमोरी स्टिक क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या होती है, बिट एंड बाइट का क्या फंक्शन है एंड आउटपुट यूनिट क्या क्या होती है। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यूएसबी मेमोरी स्टिक। तो स्टूडेंट्स, यूएसबी मेमोरी स्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि आपके डेटे को परमानेंट स्टोर करती है, और इस डिस्क या इस ड्राइव को कहते हैं पेन ड्राइव भी कहा जाता है या फिर फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यूएसबी भी इसको कहते हैं, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस भी इसको कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पोर्टेबल डिवाइस है। मीन आप इसको अपनी जेब में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें आप अपने डेटे को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी जो होती है इसके अंदर एक स्मॉल सर्किट बोर्ड बना हुआ होता है जो जिस पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये डेटे को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। यूएसबी जो होती है ये प्लास्टिक या फिर मेटल केसिंग के अंदर बंद होती है। इसकी जो ट्रांजिस्टर होती है, इसकी जो सर्किट बोर्ड होता है वो मेटल केस के अंदर बंद होता है, और मेटल केस बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है ताकि आपकी यूएसबी डैमेज ना हो सके, कहीं गिरती है टूटती है, अगर आप कहीं गिरती है तो ऊपर से बेशक इसकी मेटल केस में फर्क पड़े लेकिन इसके अंदर से डेटा लॉस ना हो। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 256 MB से लेकर 64 GB तक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो यूएसबी है जिनकी स्टोरेज 1 GB 2 GB एंड 4 GB तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूएसबी है। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन सीडी। सीडी भी आपके पास एक ऑप्टिकल मीडियम डिवाइस होती है जो कि आपके डेटे को स्टोर रखती है, और आपके डेटे को सिर्फ और सिर्फ ये आप सीडी में सिर्फ एक वक्त आप अपने डेटे को स्टोर रख सकते हैं, जबकि यूएसबी जो होती है यूएसबी में आप डेटे को सेव रखते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती है सीडी के अंदर आप डेटे को सिर्फ एक बार स्टोर करते हैं, उसको बार बार आप इरेज नहीं कर सकते। सीडी के अंदर जो डेटा रीड हो रहा होता है वो लेजर की मदद से हो रहा होता है, इस पर जब लेजर की लाइट्स पड़ती हैं तब ये डेटे को रीड करवाती है। अगर आप अपनी सीडी को राइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीडी की और भी काफी सारी फर्दर टाइप्स हैं जो कि आपके डेटे को राइट भी करती है। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 700 MB तक होती है, ये 700 MB तक डेटे को स्टोर रखती है, इससे ज्यादा डेटे को स्टोर नहीं रखती। इसके तीन मेन टाइप है सीडी की, जिनमें एक सीडी रोम आ जाता है। सीडी रोम में सीडी रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। तो जो नॉर्मल सीडी यूज होती है जो आप अक्सर मार्केट से लेके जाते हो किसी सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी चीज के लिए, वो सीडी रोम होती है। फिर उनमें डेटा सिर्फ एक बार सेव रहता है, आप उसमें डेटे को बार बार अरेज नहीं कर सकते या बार बार उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते। उसके अलावा सीडीआर होता है, सीडी राइट टेबल। सीडी राइट टेबल होता है वो डेटे को सिर्फ एक बार राइट करती है, अरेज करके ये आपको ब्लैंक सीडी मिल जाती है और आप उसको अरेज ब्लैंक जो आपको सीडी मिलती है आप उसमें अपने डेटे को सेव रख सकते हैं, लेकिन ये एक बार डेटे को अरेज करके आपके डेटे को सेव रखती है। जबकि सीडी रॉ होता है सीडी रीराइटेबल जो होती है, ये इसमें आप डेटे को बार बार आप अरेज करके सेव कर सकते हैं, बार बार अपने डेटे को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीडी रोम। तो सीडी रोम हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, सीडी रोम क्या होता है। इसमें डेटा सिर्फ सीडी रोम में जो होता है डेटा आप ना तो अरेज कर सकते हो ना इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें डेटा ना कभी आप अरेज कर सकते हो ना ही एडिटिंग कर सकते हैं। जबकि सीडीआर जो होता है सीडीआर में आप सिर्फ एक बार या एक टाइम आप इसमें डेटे को अरेज करके आप राइट कर सकते हैं सीडी को, इसमें डेटा कॉपी कर सकते हैं सिर्फ एक बार। जबकि सीडी रॉ जो होता है इसमें आप डेटे को बार बार आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, डेटे में बार बार आप इसमें से डेटा डिलीट करके उसमें न्यू डेटा आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डीवीडी मीन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको कहते हैं। डीवीडी भी बिल्कुल सीडी की तरह ही काम करती है, ये भी ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी की तरह ही बिल्कुल काम करती है, बट इसमें स्पेस ज्यादा होता है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कुछ ज्यादा होती है सीडी के डिस्क पर। डीवीडी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB तक होती है, और 4.7 GB से भी ज्यादा इसमें
स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का इंसार इसमें जो इसकी लेयर्स होती है, मीन अगर आप इसकी डबल लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगी, अगर सिंगल लेयर है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये जितनी ज्यादा लेयर बढ़ती जाएंगी इसकी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। डीवीडी में एक ब्लू रे डिस्क भी होती है। ब्लू रे डिस्क जो होती है ये ज्यादातर बिजनेस के लिए यूज की जाती है, या फिर बहुत ज्यादा अगर आपके पास डेटा है, आप अपने डेटे को महफूज रखना चाहते हैं या बैकअप के लिए यूज करना चाहते हैं, बैकअप के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ब्लू रे डिस्क यूज होती है। इसका जो स्पेस होता है वो तकरीबन 50 GB तक स्पेस होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क में। नेक्स्ट है बिट एंड बाइट्स। तो स्टूडेंट्स बिट्स और बाइट क्या होते हैं कि आपका डेटा जो होता है वो जब ट्रेवल कर रहा होता है, डेटा जितना भी ट्रेवल करता है ये बिट और बाइट की सूरत में ट्रेवल करता है। डेटा जो स्टोर होता है ये भी बिट और बाइट की सूरत में स्टोर होता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिट को समझ, डिजिटल लैंग्वेज समझता है, मीन जीरो और वन, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता समझता। कंप्यूटर जो होता है इसको अगर आप ए प्रेस करते हैं तो वो उसको पहले, सबसे पहले वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको आउटपुट में ए रिजल्ट फॉर्म करता है, या आप कोई भी चीज लिखते हो तो उसको वो पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में। इसके अंदर कंपाइलर लगे होते हैं डिफरेंट, वो कन्वर्ट करने के बाद आपको सामने जो डिस्प्ले स्क्रीन में रिजल्ट देता है वो आपको ए आप प्रेस करते हो तो कंप्यूटर को नहीं पता है क्या है, कंप्यूटर इस ए को कन्वर्ट करेगा। जैसे कि चाइनीज वजीर आजम जो है वो जब कहीं बैठता है किसी पाकिस्तानी किसी और के साथ तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपने साथ एक कंपाइलर बिठाता है, मीन एक बंदा ऐसा बिठाता है जो इन दोनों लैंग्वेज को समझता है, इंग्लिश और चाइनीज दोनों को समझता है, तो वो फिर कंपाइल कर करके बताता रहता है कि ये बात कह रहा है, ये बात कह रहा है, उसको कन्वर्ट करके बताता रहता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसे कंपाइलर लगे हुए होते हैं जो इस लैंग्वेज को चेंज करते हैं, जो इन दोनों लैंग्वेज को समझते हैं और इनको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज कंप्यूटर को इंसान को समझाने के लिए, इजी लैंग्वेज समझाने के लिए सामने डिस्प्ले में जो चीज सामने लाते हैं तो वो इंसान की समझ में जो चीज आती है उसको सामने डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि इंसान बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझता, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर के अंदर ऐसे कंपाइलर लगे होते हैं जो बाइनरी को कन्वर्ट करके आपको सामने बता देते हैं। तो बिट बाइट जो होता है ये एक तो बिट और बाइट जो होते हैं ये स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इनकी यूनिट्स हैं। आपकी जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो बिट और बाइट में स्टोर हो रहा होता है, और डेटा जो ट्रेवल हो रहा होता है वो भी बाइट या बिट में ट्रेवल हो रहा होता है। कहते हैं कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर लेटर एंड स्टोर द ट्रांसमिटेड एज नंबर। कंप्यूटर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो नंबर हो गए, लेटर या स्टोरेज जितनी भी चीजें होती है उनको जो समझता है वो बिट और बाइट की सूरत में समझता है सिर्फ। Each letter is stored and transmitted as a single unique bytes called its ASCII code. तो आपका लेटर जो स्टोर हो रहा होता है या मूव हो रहा होता है वो बाइट की सूरत में मूव स्टोर हो रहा होता है, बाइट की सूरत में ट्रेवल हो रहा होता है, तो इस चीज को ASCII code कहा जाता है। ASCII code जो होता है ये American Standard Code for Information Interchange होता है। Interchange का मतलब यह है कि आपका डेटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, क्योंकि आप दोनों काम कर रहे हैं, जब डेटा को सेंड करते हैं रिसीव भी करते हैं, सेंड भी करते हैं रिसीव भी करते हैं, तो ये जो इंटरचेंज हो रहा होता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक इंटरचेंज हो रहा होता है, जिसको आप ASCII कोड कहते हैं। और ASCII कोड जो होते हैं ये बाइनरी कोड होते हैं, इनको बाइनरी कोड कहा जाता है, बाइनरी कोड में जो कन्वर्जन होती है इन सबको। जो ASCII कोड होता है इसमें लेटर जो ए होता है ये 65 के इक्वल होता है, मीन जब आप 65 को कन्वर्ट करोगे तो आपको से ए आता है। 65 को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर में आपने कन्वर्ट करना है, जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास 65 जो होता है वो 0100001 के इक्वल होता है, और जब आप कंप्यूटर से कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो तो ए जो होता है ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद आपको पास सामने जो आउटपुट में रिजल्ट आता है वो जो ए लिखा हुआ होता है तो वो ए इसको कन्वर्ट करने के बाद आता है। ये काफी सर पूरा प्रोसेस होते हैं जो कि कंपाइलर करते हैं। कह रहे हैं व्हेन यू प्रेस ए की, मतलब आप जब आपने कीबोर्ड से प्रेस ए करते हो कीबोर्ड से, तो ये जो होता है ये जीरो और वन की फॉर्म में सेंड होता है कंप्यूटर में, चेंज हो जाता है जीरो और वन की फॉर्म में, और आपको ये जो सामने रिजल्ट सामने जीरो और वन फॉर्म से आपको जो रिजल्ट सामने देता है
वो फिर ए देता है रिजल्ट, कन्वर्ट होता है 0 और 1 में, 0 और 1 उसको समझता है कि ये वाकई ए, ये क्या चीज है, सब इसको कन्वर्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये ए है, तो आपको की सामने आपको डिस्प्ले स्क्रीन में ए शो कर देता है। डेटा की जो यूनिट्स हैं, 0 और 1 जो होते हैं इनको बिट कहा जाता है, 1 एक अलग से बिट है, 0 अलग से बिट है, मीन इन दोनों में कोई एक चीज है उसको बिट कहा जाता है। 8 बिट मिला के 1 बाइट बनाते हैं, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट केबी बनाते हैं, 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 MB मेगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, और टेराबाइट लाइट लास्ट यूनिट है, इसके बाद अभी फिलहाल कोई भी यूनिट नहीं आई टेराबाइट्स बाइट्स के बाद। नॉर्मल जो यूज हो रही है टेराबाइट ने, हार्ड डिस्क वगैरह जो यूज हो रही है वो 1.5 टेराबाइट से ज्यादा नॉर्मल यूज हो रही है, इससे ज्यादा भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है टेराबाइट में। डेटा जितना भी होता है वो बिट और बाइट पे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। बिट जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा की, जबकि बाइट जो होता है ये 8 बिट को मिला के आपस 1 बाइट बनता है। 0 और 1, बिट और बाइट जो होता है ये 0 और 1 से मिलके बनते हैं। एक जो होता है वो स्मॉल फ्लो ऑफ करंट होता है मीन, और 0 जो होता है वो एब्सेंस ऑफ करंट मीन, 0 ऑफ पोजीशन पे काम करता है, 1 जो होता है ये ऑन पोजीशन पे काम करता है डिजिटल में। बाइट जो होता है वो 8 बिट जब आपस में मिलते हैं तो वो 1 बाइट बनाते हैं, जैसे कि 0 111 000 1 जो होता है ये 1 बाइट बन जाता है। अब इसको काउंट करो तो ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 बिट है ये 1 बाइट के इक्वल है। जो 0 और 1 नंबर होते हैं मीन 0 1 0 0 0 1, 0 और 1 फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं इनको बाइनरी नंबर कहते हैं। उसके बाद आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट जब भी आप कोई इनपुट देते हैं, इनपुट का प्रोसेस होने के बाद जब आपको इन्फॉर्मेशन सामने नजर आती है, चाहे वो डिस्प्ले स्क्रीन में हो या फिर आपके प्रिंटर की सूरत में बाहर निकले, स्पीकर की सूरत में बाहर आए, तो वो आपस आउटपुट यूनिट्स उनको कहते हैं। कहता है द डिवाइस थ्रू विच द प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। कि जब आप जो प्रोसेस होता है इनपुट का, जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, वो जब सामने आपको नजर आ रही होती है किसी भी चीज में, किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन में या फिर किसी भी चीज में, उसको आप आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह ये नॉर्मल आउटपुट डिवाइसेज या आउटपुट यूनिट्स हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये सारी आउटपुट यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा आज के लेसन में हमने क्या क्या काम किया, यहां तक आपको कंप्लीट डिटेल से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स, कुछ और चीजों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।